वेलकम अगेन दोस्तों। लियो ने कल फर्स्ट सैटरडे यानी कल तीसरा दिन कंप्लीट करके आज चौथे दिन में शानदार एंट्री मार ली है, फर्स्ट संडे में रॉयल एंट्री मार ली है। यस, आज थोड़ा सा जंप लेते ये मूवी नज़र आ रही है। देखो, साउथ की मूवी के साथ अक्सर होता यह है कि फर्स्ट डे इसकी ओपनिंग सॉलिड होती है, कोई भी डे पड़ जाए, चाहे हॉलीडे हो चाहे वर्किंग डे हो, लेकिन ओपनिंग डे में जो कमाई होती है, ओपनिंग डे की जो ग्रॉसिंग होती है वो बेस्ट होती है, नंबर वन होती है। उसके बाद चाहे सैटरडे आ जाए, चाहे संडे आ जाए, चाहे हॉलीडे आ जाए, वीकेंड में मतलब फर्स्ट वीकेंड में सेकंड थर्ड डे कमाई मतलब ओपनिंग डे के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाती है। लेकिन नॉर्थ बेल्ट में क्या होता है, हिंदी मूवीज़ के साथ क्या होता है कि दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन भी कमाई अच्छी खासी निकल जाती है। जैसे जवान के टाइम पे हमने देखा था, फर्स्ट डे थर्सडे को ये मूवी रिलीज करी गई थी और संडे को इसने फर्स्ट डे की भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सेकेंड डे को भी तोड़ दिया और सैटरडे यानी थर्ड डे को भी तोड़ दिया था, और चौथे दिन में मतलब फर्स्ट संडे में ये मूवी नंबर वन कमाई करके लेके आई थी। लेकिन साउथ की मूवी के साथ ऐसा नहीं होता है, खासकर थालापति विजय की मूवी के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे बीस्ट और बारिशों की हम अगर कलेक्शन देख लें तो बीस्ट ने फर्स्ट डे कितनी कमाई करी थी, लगभग 84 करोड़ की, और लाइफ टाइम कलेक्शन आई थिंक उस मूवी का रहा है 140 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि सेकेंड थर्ड डे में वो कितनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, अराउंड 60% नीचे आ चुकी थी। वही चीज़ हमें इस लियो मूवी के साथ भी देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो चुकी है, फिर भी अच्छी खासी कमाई करती नज़र आ रही है ये मूवी। कल सैटरडे में भी जंप लिया था, आज संडे में कल से ज़्यादा और भी जंप लिया है। हालांकि होता नहीं है ऐसा कि संडे के दिन क्या होता है कि सैटरडे से थोड़ी कमाई नीचे रहती है, लेकिन आज संडे में भी अच्छी खासी कमाई ये करते नज़र आ रही है मूवी। तो अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, सेकंड डे कितनी कमाई करी, कल का दिन कैसा रहा, आज ये मूवी कैसी कमाई कर रही, और ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है। दूसरी तरफ हेटर्स, मैं कह रहा हूँ ना, फेक न्यूज़ बड़ी ख़तरनाक चल रही है, पता नहीं क्यों इस मूवी से इतना हेट करा जा रहा है। मूवी ऑसम है, बहुत बढ़िया है, एक्शन के मामले में नंबर वन है, कंटेंट, स्टोरी लाइन ऑल आर अमेजिंग, स्टार कास्ट ऑल आर अमेजिंग। लेकिन इस टाइम क्या चल रहा है कि लगभग ट्विटर पे ये मूवी ट्रॉल कराई जा रही है, कभी फेक कलेक्शन के नाम पर, कभी इस मूवी का कंटेंट अच्छा नहीं है, मतलब कि बुराई ही करी जा रही है, डिसास्टर कह के इस मूवी को ट्रॉल करा जा रहा है। बट ऐसा नहीं है, यह मूवी हर दिन अच्छी कमाई करते नज़र आ रही है और कंटेंट एंड स्टोरी लाइन इज़ सुपर अमेजिंग। लोकेश कनगराज और थालापति विजय की मैं कहूँगा ना, ये जोड़ी ब्लास्टर मास्टर साबित हुई है और ज़बरदस्त कमाई कर रही है। पहले दिन इस मूवी ने 148 करोड़ की कमाई करी थी और अब आज संडे में भी ज़बरदस्त कमाई करती नज़र आ रही है। तो मैं आपको बताऊँगा, तमिल से फर्स्ट डे इस मूवी ने 48 करोड़ का कलेक्शन किया था और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन सभी भाषाओं को मिलाकर, मतलब चारों भाषाओं को मिलाकर 65 करोड़ हुआ था, ग्रॉस 76 हुआ था, ओवरसीज से 67 करोड़ आया था फर्स्ट डे, जो अभी तक का नंबर वन कलेक्शन है, जो अभी ट्रिपल आर ओवरसीज से नंबर वन पर बैठी थी 67 करोड़ की कमाई करके, उसको बीट डाउन किया 67 करोड़ 30 लाख की कमाई करने के बाद। तो लियो ओवरसीज से अभी तक की नंबर वन मूवी बन चुकी है जिसने ओवरसीज से इतनी अच्छी कमाई करी है। तो फर्स्ट डे इस मूवी ने पूरी दुनिया से 148 करोड़ कमाए। बात करें सेकेंड डे यानी परसों कैसी रही, तो तमिल से तो सेकेंड डे में लगभग 50% का ड्रॉप डाउन देखने को मिला, बट ऐसा नहीं कि इस मूवी की ग्रोथ पूरी खत्म हो गई। थर्ड डे यानी कल को फिर से जंप मारा है, परसों मतलब सेकेंड डे की बात करें तो तमिल से 29 करोड़ आया था और नेट इंडिया से चारों लैंग्वेज को मिलाकर इस मूवी ने लगभग 35 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था, ग्रॉस बना था 45 करोड़, ओवरसीज से आया था लगभग 25 करोड़ और पूरी दुनिया से 70 करोड़ ये मूवी कमा चुकी थी अपने सेकेंड डे में। बात करें तीसरे दिन यानी कल फर्स्ट सैटरडे को कैसी ग्रोथ हुई, तो भाई साहब सैटरडे को अच्छी खासी उछाल मारी इस मूवी ने। तमिल से 30 करोड़ आया, तेलुगु से 5 करोड़, कन्नड़ा और हिंदी को मिलाकर 2 करोड़ आया, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन सारी लैंग्वेज को मिलाकर 37 करोड़ को कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी। ग्रॉस कल रहा था 45 करोड़ का, ओवरसीज से लगभग 30 करोड़ ये मूवी कमाती नजर आई थी। फ्राइडे से अच्छी खासी जंप लेते आई, फ्राइडे वर्किंग डेज भी था, इस वजह से ये मूवी कमाई कम कर पाई थी, लेकिन कल अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो कल पूरी दुनिया से ये मूवी 75 करोड़ कमाती नजर आई है, जो कि एक ह्यूज इनकम है। 75 करोड़ लाना मामूली बात नहीं है, बहुत सी मूवीज़ मैं कह रहा हूँ, मिशन रानीगंज ने अभी 50 करोड़ ही कवरअप नहीं कर पाई है, तो 75 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी के साथ अगर मैं बताऊँ तो पहले तीन दिन का तमिल का होता है कल एंड ऑफ द डे तक 107 करोड़, नेट इंडिया से 137 करोड़ 25 लाख, ग्रॉस हो जाता है 166 करोड़ 20 लाख, ओवरसीज से कल एंड ऑफ द डे तक पहले तीन दिन का हो गया था 122 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक पहले तीन दिन में 292 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी। तो बीस्ट मूवी का लाइफ
टाइम कलेक्शन 140 करोड़ था और इस मूवी ने सिर्फ नेट इंडिया से 137 करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया था। इट मीन्स ये अगर देखा जाए तो पहले तीन दिन में ही बीस्ट जैसी धमाकेदार मूवी का यानी थालापति विजय खुद अपनी ही फिल्म को तीन दिन के अंदर ही खदेड़ दिया, जो लाइफ टाइम कलेक्शन होती है। तो अभी तो रेस्ट ऑफ द डेज बाकी हैं, ये मूवी लंबा टिकेगी, बिल्कुल टिकेगी। तो यस, पहले तीन दिन जबरदस्त कमाई रही। बात करें आज यानी संडे कैसी ग्रोथ चल रही है, तो संडे भाई साहब और ऑसम ग्रोथ चल रही है। होता ये है कि सैटरडे में अच्छी कमाई रहती है, संडे को थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, बट आज उल्टा देखने को मिल रहा है। कल सैटरडे से आज संडे में जबरदस्त कमाई करते नजर आ रही है। तो तमिल से अगर मैं बताऊं, उससे पहले अगर आपको मैं एडवांस में बुकिंग बताऊं, एडवांस टिकट कितने बेचे आज मूवी ने, लगभग 12 लाख से ऊपर ये मूवी टिकट बेचते नजर आ रही है। और बुकिंग एडवांस कितनी करी आज मूवी ने, 22 करोड़ 70 लाख के आसपास। और आज अभी तक ये मूवी मतलब आज के दिन इसके पास 12,000 के आसपास शो हैं, जबकि कॉम्पिटिशन में बहुत सी मूवीज़ हैं। साउथ की अगर रवि तेजा की बात करें, रवि तेजा की मूवी टाइगर नागेश्वर राव चल रही है, तो अच्छे खासे शोज उसने भी चुराए हैं, लेकिन लियो अभी भी जबरदस्त टक्कर दे रहा है। दूसरा, अगर हिंदी बेल्ट की बात करें, नॉर्थ बेल्ट में यारियां 2 चल रही है, गणपत चल रही है, कहीं ना कहीं जवान भी चल रही है, तो कंपटीशन जबरदस्त है। उसके बाद भी ये मूवी 12,000 शोज अपने खाते में लेके चल रही है, रनिंग चल रही है, और बहुत सी जगह हाउसफुल शोज भी आज देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी मतलब नेट इंडियन कलेक्शन चारों लैंग्वेज को मिलाकर, तमिल, हिंदी, तेलुगु एंड कन्नड़ा को मिलाकर 45 करोड़ आता दिख रहा है। ग्रॉस कलेक्शन वही 53 करोड़ आता दिख रहा है। ओवरसीज से 30 करोड़ आज भी कमाई करते नजर आ रही है मूवी। और पूरी दुनिया से आज ये मूवी 83 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आ रही है। तो देखा जाए तो फर्स्ट डे 148 करोड़ की ओपनिंग थी, लेकिन आज चौथे दिन या संडे में भी ये मूवी 100 करोड़ टच करते तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कॉन्स्टेंटली इसकी स्पीड देखें, कॉन्स्टेंटली इसकी ग्रोथ देखें तो सुपर अमेजिंग है। अगर प्रीवियस मूवीज़ की बात करें, थालापति विजय की, लोकेश कनगराज की, तो लियो बेस्ट चल रही है, ब्लॉकबस्टर चल रही है, ऑसम चल रही है। जो टैगलाइन यूज कर रहे हैं ना, ब्लडी बैडएस, बाय गॉड ब्लडी फ्रिकिंग बैडएस, लोकेश कनगराज प्लस थालापति विजय, ऑसम चल रही है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं, आज एंड ऑफ द डे तक नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी 122 करोड़ कर लेगी, ग्रॉस कलेक्शन वही हो जाएगा पहले चार दिन का 219 करोड़, ओवरसीज से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक पहले चार दिन में 152 करोड़ कर लेगी, और पूरी दुनिया से हो जाएगा आज एंड ऑफ द डे तक 365 करोड़। भाई साहब ये इनकम बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इनकम है। तो वो कल वर्किंग डेज है, डिप डाउन आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिप डाउन नहीं आएगा, अच्छा कलेक्शन कल भी करते नजर आएगी। लेकिन जवान के टाइम पे क्या होता, संडे को मतलब चौथे दिन में ये मूवी बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ करके लाई थी, और यस जवान लंबे टाइम तक थिएटर हाउस में टिकी रही थी। देखा ये जाएगा कि लियो भी क्या लंबे टाइम तक थिएटर हाउस में टिकती है। वैसे आज अगर ग्रोथ देखें तो यस ये लंबे टाइम तक थिएटर हाउस में जरूर टिकेगी। तो आज एंड ऑफ द डे तक 350 करोड़ प्लस हो जाएगी ये मूवी, और अमेजिंग कलेक्शन के साथ हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लेगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, मुद्दे की बात यह है कि लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है? मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि ये मूवी लगभग 650 से 700 करोड़ ईजिली टच कर जाएगी, उससे ऊपर अगर निकल गई तो मिरेकल हो जाएगा और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप लोगों की कह रहा है क्या यह मूवी 700 करोड़ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, क्या 1,000 करोड़ भी टच कर जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।